हेलो, कैसे हैं सब? और अभी हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है। अभी शाम के हो रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, तो अभी टाइम होता है हमारी गैया के दूध निकालने का। वैसे तो रात के टाइम भी निकाल लेते हैं, पर जैसा जैसा टाइम मिलता है वैसे वैसे मेरी मम्मी अपने गैया की सेवा करती है। क्योंकि ना मम्मी का स्कूल रहता है, 4:30 बजे आना पड़ता है। आजकल स्कूल चालू हो गए हैं तो टाइम पूरा देना पड़ता है। और ये गैया ना इतनी ख़तरनाक है कि बिल्कुल मेरे भाई लोग से तो दूध ही नहीं देती। बहुत पैर मारती, मम्मी को भी मारती है, पर ना मम्मी ऐसे बांध देती है। देखो, इसके पैर में बांधे हैं हम लोगों ने, तो बांध के फिर थोड़ा बहुत मार भी खाना पड़ता है। तो मेरी मम्मी को तो निशान भी हो गए हाथ वात में, इसने मारी है तो। और ऐसे सहलाते रहो भाई, इतनी यानी नटखट है, इतनी शैतान है ये गैया, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे सहलाते सहलाते फिर ये दूध देती है। तो अभी हो गया इसका। और एक छोटी वाली गैया है ना, तो वो देसी गैया है, वो 1/2 लीटर इतना देती है, 1/2 लीटर। और ये वाली गैया 2-2.5 लीटर इतना दे देती है। तो अभी हम लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, नहीं तो फिर थोड़ा कम ही लगता है। और ईसू थोड़ा बहुत पी लेती है, मम्मी मेरी पीती है, मेरा भाई भी थोड़ा सा दूध पी लेता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग डेयरी में भी दे देते हैं तो हो जाता है, नहीं तो फिर क्या करेंगे। 3-4-5 लीटर हो जाता है, दोनों टाइम देती है, एक टाइम ही नहीं देती, दोनों टाइम। तो 5 लीटर दूध थोड़े ना घर में रखेंगे, तो आधा दे देते हैं, आधा रख लेते हैं, 2-2.5 लीटर। और अभी हम लोग ना बहुत सारी साड़ी की शॉपिंग कर रहे हैं मम्मी के साथ। तो जब भी मैं आती हूँ ना, तो मम्मी मेरी अच्छी सारी साड़ियाँ ले लेती है। क्योंकि फिर मैं जाती हूँ ना, तो फिर मम्मी लेती साड़ी तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो फिर मैं मम्मी को डांटती हूँ कि मम्मी ये क्या ले लेते हो आप, कुछ भी ले लेते हो, कुछ भी कलर ले लेते हो। तो मम्मी मैं जब आती हूँ ना तो ढेर सारी ले लेती है साड़ियाँ। तो अभी सब लोग भिड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत इनको खुराक दो। मतलब खाने के लिए भी गैया लोग को ना 4-5 बार बहुत यानी इनकी केयर करना पड़ता है, एक छोटे से बच्चे जैसे केयर करना पड़ता है। तो सब लगे रहते हैं इनके पीछे। और अभी बस मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरा ना अभी जो आंगन है इसमें हमारे मुरुम है, तो पैर के साथ ये भी आ जाता है मुरुम भी, क्योंकि बच्चे लोग इधर उधर होते रहते हैं, इसीलिए तो साफ़ नहीं रहता है, थोड़े थोड़े देर में झाड़ना रहता है। और जब ठंडी आ जाएगी, जब बारिश नहीं होगी ना, तो फिर आंगन को गोबर से लीप देंगे, तो फिर इतना कचरा नहीं होता है, साफ़ रहता है। और ना मम्मी अभी फ़र्श नहीं करवा रही है, क्योंकि फिर वो गैया को नुकसान करता है, ऐसे बोलते हैं बड़े लोग। मतलब इनके पैर जो होते हैं ना खुर, तो वो घिसते हैं सीमेंट के कारण, ऐसा मम्मी बोलती है। पर कई लोग तो करवा लेते हैं, सबकी अपनी अपनी मानना है, जो जैसा माने। तो अभी सारे बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी किसी से बात कर रही है फ़ोन पे, तो मैं सोची कि मैं झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद फिर फाल लगाऊंगी, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना है नहीं। यहाँ खाना बनाने से तो थोड़ी बहुत छुट्टी मिल जाती, कुछ स्पेशल बनाना है तो मैं बनाती हूँ, नहीं तो खाना तो नहीं बनाती हूँ। तो आज सादा खाना ही बन रहा है अभी फ़िलहाल, देखते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 6:45, तो अभी मैं ये साड़ी को फाल लगाने जा रही हूँ। आधी लगा ली हूँ, आधी कंप्लीट करना है। तो मम्मी ना अपनी गैया दूने आई, तो वो अकेले दूध नहीं देती है, मतलब उसके पास ऐसे उसको सलारना पड़ता है ना। तो फिर मैं आ गई और इसको छोड़ दी। फिर छोड़ने के बाद देखी तो एकदम गंदा बच्चों ने कर दिए थे, तो पूरी साफ़ सफाई की हूँ और अभी जा रही हूँ उसको फाल लगाने। और मम्मी जब मैं आती हूँ ना, तब बहुत सारी साड़ियाँ ले लेती, 5-10 ठो इतनी। तो उसमें से कुछ मैं भी रख लेती हूँ, कुछ मम्मी रख लेती हैं, मम्मी को तो ऐसे भी लगती है बहुत सारी। तो एक ये लेके आए हैं और बहुत सारी लाए हैं, फिर दिखाऊंगी मैं। और मैं तो कम पहनती हूँ, 2-3 मैं रख लेती हूँ बस। तो अभी का वीडियो आज हम शाम से ही स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी दादू लोग को मम्मी उधर लेके गई है, क्योंकि ना बहुत शैतानी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं वो लोग, इतना पूरा कचरा कर देते हैं घर में।
क्या तीनों दे दूं इकट्ठे? देख बोला दीदी तेरी लड़की क्या हो गया मेरी लड़की को, क्या हो गया मेरी लड़की को? वो देना उसको, ये देख तीनों को एक एक दिया कहीं के नहीं ले रही है वो। तो उसको कितनी चाहिए? उसको तीन ही चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे। कितनी चाहिए उसको? रख वहीं रख, ये देख दे दे बेटी को, दे दे अच्छी है बेटी, फिर लाऊंगा और ले इसको, इतनी तो खा फिर और ला दूंगा। यार रख दे वो खुद खाएगी भाई। भैया रख दे वो खुद ही खा ले। बोलो ये लेड़ो कहीं की नहीं खाती, कहती है खुद खाती। कावे रख रही है कि नहीं ट्राइपॉड? ये देखो ये कावे अपना ट्राइपॉड इधर उधर घुमाती है घुस घुस के, और पूरा खोल लेती है और ऐसी ही हरकत करती है। टूटेगा ना कावे तो फिर मारेंगे फिर हम। हाँ रख दो उसको, चलो दादू ये ट्राइपॉड को छोटा कर दे थोड़ा। और अभी सुबह का टाइम है तो सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह की चाय बन रही है, लाइट नहीं है यहाँ ना, बहुत दिन भर लाइट जाती रहती है, 5-6 बार तो चली जाती है, फिर आधा आधा घंटे में आती है। इधर दूध रखा है थोड़ा सा बच्चों के लिए, सिर पर गर्म करें हमने तीनों के लिए। तो जो ईशु है ना वो थोड़ा कम ही दूध पीती है। और बस अभी मैं बना रही हूँ चाय सब लोगों के लिए सुबह की, तो अभी चाय पियेंगे। और बाकी के जो भी काम होते हैं ना सुबह के, झाड़ू वाड़ू सब हो गई है फिनिश, उसके बाद 7:30 बजे तक हम लोग चाय पीते हैं। एक बार तो सुबह पी लेते हैं, पता है इतनी चाय पीते हैं ना यहाँ पर भी, 5-6-7-8 बार हो जाती है, यहाँ तक कि रात में जब खाना वाना हो जाता है उसके बाद भी हम लोग चाय पियेंगे रात के 10 बजे तक। तो अभी और अभी ना काव्या भी अपनी अपनी वाली पे आ गई है, मतलब उसको जैसे वहाँ पे उठती थी और सीधे दूध चाहिए ना, तो यहाँ पे भी वही हाल करने लगी। वो जैसे उठी तो पहले ब्रश करेगी, उसके बाद सीधे उसको दूध चाहिए, यानी चाहिए। दादू तो खैर रह जाएगा पर उसको चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं दादू को ब्रश करा रही हूँ। इसको ना डॉक्टर ने ये वाला पेस्ट दिया है, तो वही वाले पेस्ट से करना है इसको। तो इसको कोई भी कर सकता है और हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना करो 2 महीना करो, क्योंकि इसके दांतों में इतनी कैविटी है ना, तो उसको हमको अभी सेफ रखना है। और डॉक्टर ने कहा है कि ये दूध के दाँत हैं, ये गिर जाएंगे, तो देखते हैं कितने गिरते हैं, उसके बाद फिर इसकी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम लोग ने इसको 2 डॉक्टर को दिखाए, तो दोनों ने सेम ही कहे हैं, यहाँ तक कि जो रूट केनाल वाला प्रॉब्लम था ना वो भी बताया उन्होंने, दोनों ने सेम कहे हैं। और उसमें एक मसाला टाइप का भरना रहता है तो ये भी बोले थे, उसमें खर्चा भी काफ़ी आता है। तो देखते हैं अभी 1-2 महीना बाद फिर हम लोग आएंगे वापस, तो फिर और करवाएंगे इनका इलाज दादू का, अगर ये नहीं सुधरेगा तो। वैसे तो ठीक हो ही जाएगा। और एक ना ऐसी फुड़िया टाइप हो गई थी, क्या है कि दांत में ना इन्फेक्शन होता है, एक रूट केनाल से ब्लड पास होता है टीथ में भी अंदर भी, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी से ऐसी फुड़िया टाइप निकल गई थी। और अभी हम लोग खाना बना रहे हैं, आज हमारे यहाँ बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, बैंगन आलू टमाटर की। और ये देखो मम्मी ना सबको लेके बैठती है साथ में, तीनों लोग को, तीनों लोग पियो, फिर अगर कम भी पड़ गया तो और गर्म कर लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं कर रही हूँ एंड यहीं पे, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड डे।